नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको जो बताया था भारत देश के जो जहरीले सांप है इसके बारे में आपको मैंने जिक्र किया था, तो इसके अंदर मैं आपको एक सांप के बारे में बताना भूल गया था, बैंडेड क्रेट। मुझे ये बाद में याद आया, इसकी वजह से आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ। बैंडेड क्रेट जो है ये भी हाईली वेनेमस सांप है। जैसे मैंने आपको जो बाकी जो सांप बताए थे पिछले वीडियो में, 8-9 प्रकार के जो सांप बताए थे, तो उसके अंदर जो है बैंडेड क्रेट जो है काफ़ी हाईली वेनोमस सांप है। और बैंडेड क्रेट जो है हमारे महाराष्ट्र में तो नहीं है ये, लेकिन और बाकी भी कुछ कुछ भारत देश के कुछ कुछ राज्यों में मिलता है। और ये सांप जो है ये भी काफ़ी हाईली वेनोमस है, लेकिन ये हमारे इंडियन कॉमन क्रेट से काफ़ी अलग होता है। इसका जो कलर भी अलग होता है, ब्लैक येलो ऐसे आपको पूरे पट्टे उसके शरीर पर दिखाई देते हैं। और इसकी लंबाई कम से कम 7 फुट, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 10 फुट तक ये पाया जाता है। साइज़ में काफ़ी बड़ा, लेकिन ये सांप की खासियत ऐसी है कि ये जितना ज़्यादा जहरीला है ये उतना शांत स्वभाव का है। यानी अगर आप अगर 100% की अगर बात करें तो 100% में से 90% या 95% ये सांप जो है ये काटता नहीं, ये काटने की कोशिश करता नहीं है, क्योंकि अभी तक बैंडेड क्रेट से किसी को काटकर, मतलब बैंडेड क्रेट ने अगर किसी को बाइट किया है और उस बाइट की वजह से अगर कोई इंसान मरा है, ऐसी बात अभी तक सामने आई नहीं है। और काफ़ी शांत स्वभाव है ये, अभी हमारे एरिया में तो नहीं है। तो ये बैंडेड क्रेट के बारे में बताना भूल गया था, काफ़ी हाईली वेनमस सांप है ये। और ये भी जो है इंडियन कॉमन क्रेट की तरह लेट नाइट एक्टिव होता है, रात के समय बाहर निकलता है। रात में काफ़ी इसकी जो हरकतें काफ़ी तेज़ होती है, लेकिन ये नॉर्मली काफ़ी शांत स्वभाव है और काटने की कोशिश नहीं करता। तो ध्यान में रखना है आपको बैंडेड क्रेट। और मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा मैं आपको एक बार वापस से बताऊंगा, माइल्ड वेनेमस स्नेक जो है हमारे भारत देश में, जो कि हल्के जहरीला जिसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये जो सांप होते हैं ये जब किसी पशु पक्षी को या जब किसी को पकड़ते हैं, अपने शिकार को जब पकड़ते हैं, तो ये जो जहर है उनके लिए घातक होता है, इंसानों के लिए ये घातक नहीं है। इंसानों को अगर काट भी ले तो इससे इंसान की मौत होती नहीं है। हाँ, एक आध बार ऐसा हो सकता है कि अगर सेमी वेनेमस या माइल्ड वेनेमस सांप है और अगर उसने किसी मतलब अगर कोई कमज़ोर इंसान है, दुबला पतला इंसान है, और अगर उसको कुछ अगर प्रॉब्लम भी है और उसको अगर उसने दो तीन बार उसने काट लिया, तो हो सकता है उसको थोड़ा सा उल्टी, वॉमिटिंग, डिसेंट्री, लूज मोशन, चक्कर आना, थोड़ा सांस में तकलीफ, ऐसा हो सकता है, लेकिन इससे मौत नहीं होती किसी की, इंसान की, ये ध्यान में रखना है। तो जैसे मैंने जिक्र किया था, थोड़ा सा वापस एक बार आपको बता देता हूँ, जैसे कि वाइन स्नेक माइल्ड वेनमस है। वाइन स्नेक, वाइन नाम उसको इसलिए दिया है क्योंकि वाइन का मतलब होता है बेल, पेड़ों की जो बेल होती है बेल को जो है वाइन बोलते हैं। तो ये एक बेल की तरह होता है, काफ़ी पतला होता है, वायर की तरह एकदम आपको पतला दिखाई देगा, लेकिन इसका मुंह अपने शरीर से 10 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। इसका शरीर जो चौड़ा होता है और पतले में ये काफ़ी 2 से 2.5 मीटर तक पाया जाता है। और ये हमेशा जो घने जंगलों में और पेड़ों के ऊपर पत्तों के बीच में जो है छुपकर बैठता है और काफ़ी मुश्किल से सामने वाले को दिखाई देता है। इसकी आंखों में जो है वेनमस सांप की तरह आपको लाइनिंग दिखाई देगी, लेकिन ये लाइनिंग जो होती है ये ऐसी होती है, यानी ये हॉरिजॉन्टल होती है, खड़ी यानी वर्टिकल नहीं होती, ये ऐसे आड़ी लाइन जो उसकी आंखों में दिखाई देती है। वाइन स्नेक माइल्ड वेनमस सांप है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कॉमन कैट स्नेक, कॉमन कैट स्नेक जो महाराष्ट्र में मांजरे के नाम से उसको जानते हैं, दिखने में काफ़ी जहरीला, इसकी शक्ल से काफ़ी जहरीला दिखता है, लेकिन ये माइल्ड वेनमस है। ये भी सांप ऐसा है कि इसके अंदर जो होता है हेमोटॉक्सिक वेनम होता है, जिस तरह वाइन स्नेक है, ये भी माइल्ड वेनमस है, लेकिन वाइन स्नेक में जो है न्यूरोटॉक्सिक होता है और इसके अंदर जो होता है कॉमन कैट में हेमोटॉक्सिक वेनम होता है, इसमें हेमोटॉक्सिन होता है, लेकिन ये इंसानों के लिए जो है खतरनाक नहीं है। अगर काट भी ले तो इंसान की मौत नहीं होती, लेकिन घबराने की बात नहीं है। इसकी आंखों में भी आपको जो है ऐसे लाइनिंग दिखाई देती है। बहुत सारे लोग जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं इसको देखकर, कुछ लोगों को लगता है सॉस्केल वाइपर है, और बाई चांस इसने कभी बाइट ले भी लिया तो आदमी वो डर की वजह से घबरा के उसकी जो है मौत हो जाती है। तो कॉमन कैट स्नेक वाइल्ड वेनमस है ये, सेमी वेनमस, एकदम कम जहरीला। इसका जो जहर है इसके शिकार के ऊपर जो है इसका जो है प्रभाव पड़ता है, इंसानों पर नहीं। और उसके बाद मैंने बताया था आपको ऑर्नामेंटल फ्लाइंग स्नेक, फ्लाइंग स्नेक जो है इसके अंदर भी वेनम है, ये भी है जो है सेमी वेनमस यानी माइल्ड वेनमस है, कम जहरीला है, इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है। फ्लाइंग स्नेक, तो फ्लाइंग स्नेक उसको नाम इसलिए दिया है, वो सांप उड़ता नहीं है, उसको कोई पंख नहीं होते, लेकिन वो जब काफ़ी हाइट पर जब पेड़ पर चढ़ता है और जब उसको कोई खतरा महसूस होता है या ऊपर से उसको कोई शिकार जब सामने दिखाई देता है, तो वो क्या करता है ऊपर से नीचे की तरफ जंप करता है,
यानी वो जब ऊपर से नीचे की तरफ जंप करता है तो अपने जो पेट का हिस्सा वो अंदर की तरफ दबा देता है, जिससे कि एक ऐसा एक वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है और हवा के प्रेशर की वजह से क्या होता है, उसका दबाव जो है नीचे गिरने से कम हो जाता है। यानी जब वो ऊपर से गिरता है तो उसका फोर्स जो होता है वो कम होता है, इसकी वजह से उसको फ्लाइंग स्नेक नाम दिया है। ऐसा उड़ता नहीं है, ऊपर से वो नीचे आता है लेकिन नीचे से ऊपर जंप नहीं मारता है ऐसा, ये ध्यान में आपको रखना है। दिखने में काफ़ी सुंदर है, माइल्ड वेनमस सांप है ये भी इंडिया का। और एक सांप है लेकिन उसका फोटो शायद मुझे मिला नहीं, अगर मिला तो मैं अपलोड करूँगा। सैंड स्नेक बोलते हैं उसको, रेतीला सर्प, ये भी जो है माइल्ड वेनमस है लेकिन बिल्कुल भी इंसानों को घातक नहीं है। तो आपको इतना सिर्फ एक ध्यान में रखना है, जितने भी माइल्ड वेनमस सांप है जो कम जहरीले हैं, सेमी वेनमस है, इसका इंसानों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इंसानों को इससे कोई तकलीफ नहीं होती, तो बस ये ध्यान में रखना है। और इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो में मैं जिक्र करूंगा हमारे इंडिया के जो है नॉन वेनमस यानी बिना जहर वाले सांप, इसके ऊपर मैं वीडियो बना के आपको बताऊंगा और उनके एक एक फ़ोटो दिखाऊंगा। लेकिन मैं उन्हीं सांपों का मैं जो जिक्र करूंगा जो कॉमन है, जिसका आमना सामना इंसानों के साथ होता है, जिसकी जो मुठभेड़ इंसानों के साथ होती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो मैं उन्हीं सांप का जिक्र करूंगा, क्योंकि ऐसे नॉन वेनमस सांप बिना जहर वाले सांप हमारे भारत देश में काफ़ी हैं। तो अगर आपको सबका बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सांप हैं जो हमने भी नहीं देखे, या दूसरे स्टेट में मिलते हैं तो ये स्टेट में नहीं मिलते, तो ये ऐसा चलता रहता है। तो जो कॉमन सांप है इंडिया के, जिसका हमारा आमना सामना होता है तकरीबन सब जगह पे, तो मैं उसी के बारे में जिक्र करूँगा अगली वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ कि शायद ये मेरी जानकारी आपको ठीक लगे। और इसके बाद मैं एक 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 करके सब आपको थोड़ी सी मैं डिटेल देता रहूँगा कि अगर स्नेक बाइट हो जाए तो हमको सबसे पहले क्या करना है, मरीज़ को पट्टी कैसे बांधनी है, एक सिरिंज से कैसे उसको इंजेक्ट करके जो ब्लड को बाहर निकालने की कोशिश करनी है, इसके बारे में बताऊंगा थोड़ा सा। और वापस से एक बार लोगों के जो सांपों को लेकर जो विश्वास है, अंधविश्वास है, गलत फहमी है, इसके बारे में भी मैं कोशिश करूंगा कि लोगों का जो डर दूर हो और अंधविश्वास दूर हो। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे ऐसी जानकारी के साथ। बस आप लोगों का जो है प्यार, दुआ, आशीर्वाद ऐसे बनाए रखें और मैं कोशिश करता रहूँगा कुछ ना कुछ अच्छा काम करने के। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ और जल्दी से अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।